जय श्री राम। हाँ सर जी बोलिए। इसके बाद आप मथुरा जाने की तैयारी में, मथुरा की यात्रा करेंगी? बिल्कुल मथुरा जाऊंगी मैं। जय श्री राम। होली में जाने वाली हूँ मथुरा, उधर मस्ती का माहौल है, उसको मैं एंजॉय करूंगी। एक बात बताइए, और आपको एक और बात बता दूं, पिछले 15 से 16 किलोमीटर से एक डॉगी हमारे साथ पैदल चल रहा है। मतलब मैं निकली हूँ, हम मेरी जो टोली निकली है उनके हमारे साथ वो चल रहा है, यहाँ पर है मेरे सामने। अभी पहुंची कहाँ? आप बोलिए सर, सॉरी माफ करना, थोड़ा सा डिस्टर्ब। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और शबनम, जब आप निकली होंगी तब आपने क्या सोचा कि इतने सारे लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा? मैं वही अरे सर जी, मैं तो आपको वही बोल रही हूँ, निकली थी तो मैं अकेली, लेकिन आज पूरा भारत मेरे साथ जुड़ रहा है। देखिए अभी मैं अकेले चल रही थी ना, इतने सारे लोग जुड़ गए स्वागत के लिए। कहाँ हूँ मैं? जगदीशपुरी मानोरा। जगदीशपुरी मानोरा में हूँ मैं। किस जिले में बताइए? डिस्ट्रिक्ट विदिशा। डिस्ट्रिक्ट विदिशा। अच्छा, विदिशा जिले से होकर फिर अगला पड़ाव कहाँ पर है? सागर की तरफ हम निकल रहे हैं। बीच में 80 किलोमीटर दूरी पे। हाँ तो देखिए अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपको लाइव दिखाऊंगी सर जी, आप अपने दर्शकों को भी दिखाओ कि सारे सनातनी भाई एक मुस्लिम महिला के साथ चल रहे हैं। जय श्री राम। 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 आपके लिए आए हम, 1100 से अभी आए। नहीं नहीं ये लाइव है। जय श्री राम। जय श्री राम। शबनम शेख जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी थी, शायद सिग्नल उनका अब चला गया है, लेकिन शबनम शेख जो कि राम भक्त हैं और मुंबई से अयोध्या की यात्रा पर लगातार वो पैदल चल रही हैं, और उन्होंने कहा है कि उनको बहुत प्यार जो है वो लोगों का मिल रहा है, उन्होंने सोचा भी नहीं था इतना प्यार मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको कुछ धमकी भरे कॉल आ रहे हैं जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। उम्मीद करते हैं कि शबनम शेख की ये अयोध्या यात्रा अच्छी तरीके से पूर्ण हो, क्योंकि अभी और वक्त उनको लगना है, विदिशा पहुंची हैं और उसके बाद अगला पड़ाव सागर का होगा और फिर वो आगे इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। और इसी के साथ शबनम जो हमारे साथ जुड़ी थी, शबनम आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के इस फेसबुक लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।